भाजी टू द लेफ्ट फिल्म में छोटा रोल था इसका अंदाज करा, उसके बाद इससे फिल्म गई थी हौसला रख, इसकी बार दिलजीत वाली फिल्म थी वो, तो आफ्टर दैट कैरी ऑन जटा थ्री करी थी एंड अब ये चौथी फिल्म है चंदा चंदा रूपा। सो ये एक सोशल कॉमेडी है, अक्सर तौर पे हम बाहर के कंट्रीज में जब देखते हैं तो वहाँ पे पेरेंट्स बच्चे को डांट नहीं सकते, पेरेंट्स बच्चे को मार नहीं सकते, कुछ करते हैं तो बच्चे पुलिस बुला लेते हैं या उनके स्कूल टीचर को बताते हैं, स्कूल टीचर वाले वो चाइल्ड केयर प्रोटेक्शन वालों को बताते हैं, तो समटाइम कई बार जो पेरेंट्स थोड़े ज़्यादा सख्त होते हैं उनके बच्चे को उठा के भी ले जाते हैं वो, तो ये उस माहौल पे बनाई हुई कहानी है कि वहाँ के पेरेंट्स और यहाँ के पेरेंट्स में क्या फ़र्क है, क्या जो हम अपने बच्चों को जैसे पालते हैं जैसे हम उनको डांटते हैं क्या वो तरीका ठीक है या वो तरीका ठीक है। हमेशा ही कोई भी पेरेंट्स है कोई भी माँ बाप है अपने बच्चे के लिए जो भी वो करते हैं वो सही करते हैं, बट हर बंदे का अलग अलग तरीका होता है। सो हमने दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू दिखाने की कोशिश की है, बच्चों का भी और बड़ों का भी, ऐसा नहीं है कि एक ही बंदे का पॉइंट ऑफ व्यू है, दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू हैं जो एंड में जाके मर्ज हो जाते हैं। और मुझे लगता है कि ये फिल्म देखने के बाद कई पेरेंट्स जिनको लगता है कि यार उनका बेटा ठीक नहीं है उनकी बात नहीं मानता है, या कई बच्चों को लगता है कि उनके पेरेंट्स ठीक नहीं है, दे आर नॉट डूइंग गुड फॉर अस, तो वो जो एक डिस्टेंस है वो जो गैप है वो ख़त्म हो जाएगा और सब नज़दीक आएंगे एक दूसरे के, ये सोच के हमने ये फिल्म बनाई है एंड होप सो आप सबको अच्छा लगे। आप लोग सवाल पूछो हाथ उठाओ, मैं माइक जो है लेके आ जाएगा, राजू समझे जिसको सवाल पूछना है हाथ उठाइए माइक लेके आ जाएगा, वहाँ लेके जाए पीछे लेके जाए पहले इनको दे दे पहले। हेलो मैं शिंदा से मेरा सवाल है पहले। हेलो ये बताओ कि मैं आपके पापा के साथ काम किया, आपने दो कल्चर देखे, तो आपको कौन सा कल्चर अच्छा लगता है, पापा से कभी कुट पाई है? पापा तक उठ देनी अच्छा मम्मा भी नहीं। सो कल्चर का मेरा आई हैव ओनली बीन एक्सपोज्ड टू वन कल्चर जितना प्यार ना समझाया मैंने, सो मेरा ज्यादा ओपिनियन नहीं है, बट मुझे लगता है प्यार ना समझाना चाहिए। चलो मुझे से पूछना है कि पापा के साथ काम करके कितना मजा आया, क्योंकि वो एक एक्टर एक सुपरस्टार है और आपके पापा भी हैं, तो डिफरेंस दिखा कुछ? बहुत मजा आया, पहला भी से छोटा सा काम किया था अंदाज से इकट्ठे, सो बहुत मजा आया, पापा ने बहुत पैम्पर रखे थे सारे ने पूरे स्टाफ ने बहुत जितना अच्छी एनवायरमेंट थी, सो बहुत मजा आया। डीपी सर आपसे सवाल था, सर जिस तरीके से बड़ा जनरेशन गैप भी दिख रहा है चीज़ों को देखकर, तो क्या इसके लिए मूवी केंद्रित करती है किस तरीके से जो यहाँ के कल्चर और जो बाहर के कल्चर है उसमें किस तरीके से डिफरेंसेस दिखाए गए? और जैसे कि आपने अपनी बात में कहा कि पेरेंट्स बहुत कुछ सीखेंगे, तो पेरेंट्स और बच्चे क्या क्या इस मूवी में सीखने वाले हैं? कुछ एक्चुअली क्या है, जैसे मैंने बताया कि देखो कोई भी पेरेंट्स ऐसा तो है नहीं कि अगर आप लोग यहाँ पे इतने बैठे हो तो मुझे आई एम डैम श्योर कोई माने या ना माने बहुत से लोगों ने बचपन में बहुत मार खाई होगी अपने माँ बाप से। अब अगर आप सोचो तो उन्होंने जो आपको खाई है ना, तो एक्चुअली तो आपके पेरेंट्स जब आपको मारते थे वो आपका तो भला ही सोचते थे ना, वो चाहते थे कि यार ये बच्चा गलत ना हो जाए, ये बच्चा ये ना करे, ये बच्चा वो ना करे, मतलब पेरेंट्स वही सोचते हैं। तो इस फिल्म में मैंने यही दिखाने की कोशिश की है, क्योंकि नॉर्मली क्या है कि इस फिल्म में जैसे एक मेरा छोटा सा एंगल है कि मेरे जो फादर हैं वो मुझे एक बार मारते हैं, तो मारने के बाद मैं उनके स्कूटर की लाइट तोड़ देता हूँ, तो उसके चक्कर में वो मुझे मारते हैं, तो वो इसको बता रहे हैं, कहते जब मैंने तेरे बाप को मारा ना, कहते उसके बाद थोड़े टाइम के बाद मैंने बैठ के सोचा कि क्या स्कूटर की लाइट इम्पॉर्टेंट थी
या मेरा बच्चा जिसको मैंने मारा, तो वो कहता है कि शायद मैं उसको प्यार से समझाता तो शायद वो तब भी समझ जाता, लेकिन मैंने इंस्टेंट रिएक्ट किया, उसको मार दिया। कहता वो ये कहता है कि फिर आपने सॉरी बोली? कहता नहीं, कहता मैंने सॉरी नहीं बोली, कहता फिर मैं ना उसके लिए एक साइकिल लेके आया तो जिससे वो खुश हो गया। सो अक्सर तौर पे हमारे बचपन में ऐसे होता था, कई बार हमें बहुत पीड़ देते थे, बाद में कुछ ना कोई चीज़ मिल जाती थी, कुछ ऐसे होता था, ये नॉर्मल बातें हैं घर की। बट घर की छोटी छोटी बातों में भी मैं हमेशा सोचता हूँ कि धीरे 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 जब बाप बेटे बड़े होते हैं, अक्सर तौर पर हम देखते हैं कि जब बेटा 18-20 साल का हो जाता है तो वो अपने बाप को हक करनी कम कर देता है, जब भी गलती बाप बेटे की, बहुत सी चीज़ें ऐसी नॉर्मल जिंदगी में जो होती हैं, वो सब एलिमेंट्स हमने इसमें दिखाए हैं। बट इट्स जैसे मैंने बताया कि सोशल कॉमेडी है, हमने हंसाया भी बहुत है इस फिल्म में, इस हंसाने वाली फिल्म है, आपको खूब हंसाएगी। बट साथ में ये छोटे छोटे एलिमेंट्स हमने शुरू से लेके अंत तक टच किए हैं कि कहानी क्या है जिसमें इमोशन भी है, आपको अच्छी लगेगी। हेलो, मैं जानना चाहती हूँ कि पेरेंटिंग जैसे सब्जेक्ट को फिल्म में आपने लिया है, तो क्या विचार था मन में इस सब्जेक्ट को लेकर कि इसमें फिल्म बननी चाहिए? एक्चुअली क्या है कि पंजाबी में जो फिल्में नॉर्मली बनती है, ज़्यादा फिल्में हम कॉमेडी बनाते हैं तो कॉमेडी का बिजनेस ज़्यादा है, ऐसे ही है, ऐसे सोशल भी बनाते हैं, एक्शन भी बनाते हैं, बट वो कम बनती थी। मुझे था कि यार एक आध कोई कॉमेडी जैसे लोग ज़्यादा लाइक करते हैं कि कॉमेडी में जैसे कोई सोशल कॉमेडी मिल जाए, जैसे 3 Idiots है एग्जांपल में, तो अब 3 Idiots में हम बहुत हंसे और उसमें बहुत से अच्छे मैसेज छिपे हुए थे उस फिल्म में, है ना। तो मुझे था कि यार काश कोई वैसा सिनेमा, कोई वैसा अगर सब्जेक्ट मिल जाए, तो लकीली ये एक सब्जेक्ट जो हमारे राइटर हैं नरेश चतुरिया जी, उन्होंने एक सब्जेक्ट क्रैक किया था, तो डायरेक्टर हमारे जो छाबड़ा साहब हैं उनको सुनाया और वो मेरे पास लेके आए। एक्चुअली वो फिल्म लेके ही मेरे पास ऐसे आए थे कि आपके लिए और चिंता के लिए हमने एक फिल्म लिखी है, तो ये एक फिल्म है, ये सब्जेक्ट है। तो मुझे सुनने के बाद लगा कि यार कि बहुत ही राइट सब्जेक्ट है, इस पर फिल्म बनानी चाहिए, जबकि ये इसकी स्टडी चलती है, ये गेम खेलता है बास्केटबॉल, तो इसको हमेशा ये होता है कि मैंने आखिर इससे पूछा तो ये कहता है कि गेम और फिल्मों से कुछ चूज़ करना पड़े तो मैं गेम को चूज़ करूँगा, तो बट ये लव टू डू एक्टिंग। तो मुझे था कि मैंने सुनाया, बट एक साल हमें वेट करनी पड़ी इसके चक्कर में, क्योंकि इसके गेम्स का कुछ चल रहा था, तो पहली छुट्टियां 2 थी जो उसमें ब्लॉक थी, तो फिर नेक्स्ट ईयर की जो छुट्टियां थी उसमें जाके वो फिल्म शूट कर पाए हम। बट फाइनली फिल्म आ रही है, सब्जेक्ट बहुत अच्छा है और फिल्म बनी बहुत अच्छी है, जो मुझे लगता है कि मेरी वन ऑफ द फाइनेस्ट फिल्म में होने वाली फिल्म है। जैसे कि हम हिना खान को देख पा रहे हैं, जो पहली उनकी पंजाबी फिल्म है ये, और टीवी की बहुत लोकप्रिय एक्टर वो रह चुके हैं और अभी भी हैं, तो इनके साथ प्रोजेक्ट साइन करने के पीछे रीज़न क्या था? क्योंकि अभी तक हमने सरगुण मेहता को आपके साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग में देखा है जी। सेकेंड सर, क्योंकि फर्स्ट टाइम इन्होंने पंजाबी सिनेमा चुना है तो फंबल भी बहुत हुए होंगे, क्योंकि आई थिंक जितना मुझे पता पंजाबी इन्हें थोड़ी सी कम आती है, तो कोई सेट की ऐसी मस्ती जो फंबल में निकली हो आपसे समझ आए? नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं तो आपको बताऊं कि मैं हिना जी को पहले कभी मिला नहीं था, तो जब हम कास्ट कर रहे थे तो हमारे मन में था कि क्योंकि ये कहानी जैसे मैंने बताया कि हमारा 12 साल का बच्चा है, तो कई लड़कियों को ये भी होता है कि यार मैंने माँ का रोल नहीं करना, मैंने अभी ये नहीं करना, वो नहीं करना, तो हमें था कि यार कोई नया चेहरा ढूंढना है इस फिल्म के लिए, क्योंकि वैसे ही मैं सरगुण जी के साथ, सोनम के साथ, मैं जितनी पंजाबी एक्ट्रेस हैं सबके साथ मैं रेगुलर फिल्में करता हूँ, तो मुझे था कि यार कोई नया चेहरा लेके आते हैं। तो हमारे डायरेक्टर साहब ने रिकमेंड किया है ना जी को, तो हमें सबको लगा कि ठीक है। मैंने कहा कि आप कहानी सुनाइए उनको, तो कहानी सुनाई उनको, कहानी बहुत अच्छी लगी। तो मुझे याद है कि जिस दिन पहले दिन ही हम सीन कर रहे थे, कुछ इम्पॉर्टेंट सीन था और बड़ा सीन था, तो जिसमें काफ़ी पंजाबी की लाइन थी, है ना। तो मैं जब आया सेट पे तो मैं मिला तो फर्स्ट टाइम हिना जी को, तो हेलो हाय हुई एंड कहते कि करें सीन का, वो कहते कि हाँ सर ये है ये है। तो हमने एक छोटी सी ऐसे रिहर्सल की, तो उन्होंने भी रिहर्सल की तरह किया, मैंने भी रिहर्सल की तरह किया, और जब टेक आया तो एक्चुअली वो सीन हिना जी का ही था बेसिकली, तो उसमें 7-8 लाइनें प्रॉपर एक्सप्रेशन में इमोशन में थी, तो उन्होंने इतनी अच्छी पंजाबी में ऐसे बोला, मैं शॉक हो गया। मैं ये इतनी पंजाबी की मैं होती है ना, ना मैंने पूछा उसके बाद इमीडिएटली, एंड जी सर कि मैंने सर को बोल दिया था कि मुझे सीन्स दे दिए, तो कहती फिर मैंने इनको बोला था कि मुझे बोल के दे दीजिए,
तो कहती मैंने वो याद करके प्रॉपर किया। तो उनकी खासियत क्या थी, मैंने कई लड़कियों के साथ ऐसे काम किया है जिनको ये बहुत मतलब इतनी रिहर्सल करती हैं अपने सीन के लिए, इतना टाइम यूटिलाइज करती हैं कि यार कहीं ऐसा ना हो, क्योंकि अगर आप उनकी डबिंग नहीं भी करवाते किसी और की करवाते हो फिर भी अगर आपकी प्रोनाउंसिएशन सही नहीं है तो ना वो लिप मूवमेंट राइट नहीं आता, वो हम कह देते हैं कि यार ऐसे ही हो जाएगा फिर बाद में कोई भी कर देगा, नहीं ऐसे नहीं होता। तो वो इमोशन पकड़ना, वो फील पकड़ना कई बार सामने वाले का ये इम्पैक्ट नहीं बनता यार, वो कह लैंग्वेज उल्ट हो जाती है। तो वो बहुत सही बोला उन्होंने, और मुझे लगता है कि जो उनको प्यार करते हैं उनके फैंस हैं उनको ये फिल्म देख के कि वो एक अच्छे सिनेमे का पार्ट बनी है और अच्छी फिल्म है और उनका अच्छा रोल है। हाँ बिजनेस स्टूडेंट हाँ जी उसकी प्रोनाउंसिएशन बहुत राइट चाहिए, नहीं तो क्या है कि वो फील नहीं आता। जो डब भी हम करते हैं कई, एक आध फिल्म में हमारे साथ हुआ था कि उन्होंने ऐसे ऐसे करके डायलॉग बोल दिए, बट वो जब डब करवा रहे थे तो डब में भी वो फिर हमें वैसी एक्सेंट पकड़ना पड़ रहा था, क्योंकि वो अगर नहीं पकड़ते थे तो वो लिप मोमेंट के हिसाब से डबिंग आउट जा रही थी तो वो फील नहीं आता था। क्योंकि डबिंग हम क्यों करवा लेते हैं मैं आपको बताऊं, एक तो आज की डेट में जो डब करते हैं वो डबल बहुत ज़्यादा 90% मैच कर देते हैं बहुत ज़्यादा। दूसरा क्या होता है कि कई बार जब हम सेम बंदे की लैंग्वेज रखते हैं ना तो उनका अगर वो पंजाबी एक्सेंट पकड़ के भी आते हैं ना तो जो टिपिकल देसी पंजाबी है उनको इम्पैक्ट नहीं आता। मैंने एक फिल्म कही थी पाजी की प्रॉब्लम, वो अक्षय पाजी ने प्रोड्यूस करी थी, बहुत अच्छी फिल्म थी, उसमें अक्षय पाजी ने रोल भी दिया था, उसमें 3-4 सीन्स थे अक्षय पाजी के, तो अक्षय पाजी ने खुद ही डब किया था। अब वो पंजाबी बोलते हैं, ठीक पंजाबी बोलते हैं, बट वो बॉम्बे रहते हैं मतलब दिल्ली बॉम्बे, तो वो थोड़ी सॉफ्ट पंजाबी बोलते हैं। अब मेरा क्या है कि हम कैरियन जट्टा वाले हैं तो हम बहुत ही हार्ड वर्क हैं, तो मतलब मुझे याद है कि मैंने जब अक्षय पाजी के साथ सीन शुरू किया क्या ये मैंने क्या बाबा जी कहते ये कौन सी पंजाबी बोल रहा है तू, मैं भाई स्पीड ज़्यादा है क्योंकि हम कैरियन जट्टा का जो पैटर्न है वो तेज तेज है बहुत, है ना। तो वो पाजी की प्रॉब्लम समीप कांगड़ी की फिल्म थी, वो उसी पैटर्न पर थी, तो मैं क्या भाजी ऐसे, तो वो सीन इतने अच्छे थे जब वो सीन सिनेमा में आया जनवरी, तो वो सिनेमा में सीन का उतना इम्पैक्ट नहीं आया। उसका रीज़न क्या था कि अक्षय पाजी ने हमें कैच करके तो बोला, बट हमारा वोकल बहुत रॉ एंड वैसा है, तो उनका पैटर्न, अगर मैं अभी हिंदी में अक्षय पाजी के साथ वो चीज़ करूँगा ना तो मैं अक्षय पाजी को मैच नहीं कर पाऊँगा जल्दी जल्दी, है ना, तो मुझे थोड़ा टाइम लगेगा या मुझे टाइम मिले या कुछ है, तो वो पाजी ने एक ही दिन में फटाफट किए थे, तो वो चीज़ का फर्क रहता है मुझे लगता है। तो इसलिए मुझे होता है कि जो ऑडियंस हार्डकोर फिल्म की है उसको 100% मिलना चाहिए। सो आई होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो, बहुत ही अच्छा प्रेस कॉन्फ्रेंस था, मैंने क्वेश्चन भी पूछा तो गिप्पी गरेवाल ने उसका आंसर करा, तो अब देखते हैं कि मूवी कैसी रहती है, आपको मूवी का रिव्यू भी दूंगा, तो बने रहिए वीडियो पर और हॉलीवुड देखो चैनल को सब्सक्राइब करें शेयर करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हैव अ ग्रेट डे, बाय।